गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने 40,000 शेयर लिए थे रतन पावर के, ओके, एट 925 का एवरेज है मेरा, 9.25 रुपए का, ओके, 2 महीने हुए हैं मुझे लिए और आगे होल्ड करने की इच्छा है मुझे। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको, और किसने रेकमेंड किया था आपको ये कि आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई की बदौलत आपने ऐसा निवेश किया? ये आपके शो पे मैंने देखा था। अच्छा, चलिए तो यहाँ बधाई, लेकिन अब ये बताएं मुझे कि इस प्रॉफिट को बुक नहीं करना है? मैं उसी लिए फोन किया हूँ कि वेट करूं और या बुक कर लूं अभी। चलिए ठीक है, तो एक नियर टर्म आउटलुक आपको यहाँ दे देते हैं। नितिलेश, पार्ट प्रॉफिट क्या बुक करके कहीं पर और पैसे लगाए जा सकते हैं? इनको बम्पर मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन क्या इस मुनाफे को लेकर और आगे बढ़ना चाहिए? इनकी बाइंग रेट तो बहुत अमेजिंग है, 9.25। देखो, इस चार्ट को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा था, वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 2011 का जो एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन के आएगा, मतलब तकरीबन 12-13 साल के बाद ये 20-21 रुपए के ऊपर अभी ये सस्टेन होगा। तो यहाँ पे इनको मैं वेट करने की राय दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी जो है, मतलब 60% प्रॉफिट को आप लॉक कर लीजिए और जो 40% बचा होगा आपके पास, तो उसको एक 16 रुपए का ट्रेलिंग बेसिस या फिर 17 रुपए का ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के बड़े टारगेट के लिए क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। क्योंकि 2011 के बाद ही 20-21 रुपए के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो यहाँ से पोटेंशियल स्टॉक में 30-32 के टारगेट्स भी क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो 60% क्वांटिटी को बुक कर लीजिए, जो प्रॉफिट मिला है उसको एंजॉय कर लीजिए, बाकी का क्वांटिटी बड़े टारगेट के लिए होगी।